नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगी। जैसा कि आपने देखा होगा, कई सारे रियलिटी शोज होते हैं जहां पर कंटेस्टेंट्स के रिप्रेजेंट करने का अलग अलग ढंग होता है। कई बार कंटेस्टेंट्स को दिखाया जाता है कि वो बहुत गरीब घर से हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस के लिए अपने फॉर्म्स भरे हैं, किस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए हैं। कई सारे फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं लोगों को रिझाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि इससे रियलिटी शोज में क्रिस्पनेस यानी कि मसाला आता है। आपको पता है कि इंडियन आइडल जो सिंगिंग रियलिटी शो है वो लोगों का बेहद पसंद और चहेता शो है, लेकिन आजकल जो इंडियन आइडल को लेकर कुछ खास बातें सामने आ रही हैं उसको लेकर मैं आपको बताना चाहती हूँ। इंडियन आइडल के जो दो कंटेस्टेंट हैं इस समय, मोहम्मद दानिश और षणमुख प्रिया, इनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया गया है। उन्हें शो से निकालने की मांग लगातार हो रही है और इससे पहले भी वो कॉन्ट्रोवर्सीज। इंडियन आइडल बेसिकली मैं आपको बता दूं, एक ऐसा रियलिटी शो है जिसको लेकर अब लगातार कॉन्ट्रोवर्सीज आ रही हैं। इससे पहले भी 7 मौके ऐसे आ चुके हैं हिस्ट्री में अगर उठा के देखें, जिसमें इंडियन आइडल को लेकर कई सारी कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई थी। इससे पहले दोस्तों जो एक कॉन्ट्रोवर्सी आई थी उसमें नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया को ट्रोल कर दिया गया था। इस सीजन में भी कई विवाद हुए हैं और अब तो षणमुख प्रिया और मोहम्मद दानिश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सबसे पहले चलिए आपको लेटेस्ट विवाद से रूबरू कराते हैं। फैंस, इस वक्त सोशल मीडिया पर कंटेस्टेंट मोहम्मद दानिश और षणमुख प्रिया को निकालने की मांग जोरों पर है। उनका मानना है कि दोनों कंटेस्टेंट्स गाना नहीं गाते बल्कि चिल्लाते ज्यादा हैं और ओवर एक्टिंग भी करते हैं। उन्होंने गानों के मूल भाव को ही खत्म कर दिया है, तो इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर कई तरह की बहस छिड़ गई है, कई तरह के ट्रोलिंग्स उन लोगों को झेलने पड़े। वहीं अगर कुछ दिन पहले की बात करें तो इंडियन आइडल 12 में किशोर कुमार स्पेशल एपिसोड जब हुआ था तो उसमें नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया ने किशोर दा के गाने गाए थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। इसके कारण दोनों को सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल होना पड़ा। इस एपिसोड को लेकर सोशल मीडिया पर खूब थूथू भी हुई और उस वीकेंड शो में किशोरदा के बेटे अमित कुमार गेस्ट बनकर पहुंचे थे। पहले तो तय था कि सभी कंटेस्टेंट खुद जज नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया जैसे दिग्गज सिंगर किशोर कुमार को ट्रिब्यूट देंगे, लेकिन इसके लिए किशोर कुमार के 100 सुपरहिट गानों को गाना था। पर किशोर कुमार के फैंस को यह रास नहीं आया। उनको गाने के साथ जो छेड़छाड़ हुई, जिस तरीके का कंपोजिशन हिमेश और नेहा कक्कड़ ने किया था, उससे वो बिल्कुल भी ना खुश थे। उन्होंने नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया को ट्रोल कर दिया और कहा कि वो किशोर कुमार के गानों को बर्बाद ना करें। किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने इंडियन आइडल 12 के उस वीकेंड एपिसोड को लेकर अपनी नाराजगी जताई और यह कहकर सबको चौंका दिया कि शूट शुरू होने से पहले ही उन्हें यह सलाह दी गई थी कि वह कंटेस्टेंट्स की खूब तारीफ करें। अमित कुमार ने हमारे सहयोगियों से बातचीत में यह भी कहा है कि मैंने वह किया जो मुझसे कहा गया था। मुझसे कहा गया कि सबकी तारीफ करनी है, मुझसे कहा गया कि जो जैसा भी गाए उसको बढ़ावा देना है, क्योंकि किशोर दा को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। मुझे लगा कि ये मेरे पिता को श्रद्धांजलि देने वाली बात है, मगर वहां पहुंचने पर मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया। मैंने उनसे एडवांस में स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से देने को कहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब सोशल मीडिया पर इंडियन आइडल में कंटेस्टेंट्स अरुणा कांजीलाल और पवनदीप राजन के बीच फेक लव स्टोरी दिखाने को लेकर भी ट्रोल हुआ जा रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी शो में फेक लव स्टोरी के जरिए शो को भुनाने की कोशिश की गई हो। इससे पहले इंडियन आइडल 11 में जज नेहा कक्कड़ और होस्ट आदित्य नारायण के बीच में फेक लव स्टोरी को लेकर शादी तक की बात पहुंच गई थी, जिसके कारण लोगों ने सोशल मीडिया पर इंडियन आइडल मेकर्स को बुरी तरह से लताड़ा था, बुरी तरह से ट्रोल किया था। अब इंडियन आइडल में उस वक्त और विवाद आ गया था जब मनोज मुंतशिर, जी हाँ, जो बहुत अच्छे कंपोजर हैं, जिनका आज काफी नाम है, उनको बतौर जज शामिल करना पड़ा था। उन्होंने एक्टर शम्मी कपूर को लेकर एक गलत जानकारी दी थी, एक गलत इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर करी थी, जिसके कारण उन्हें बुरी तरह से ट्रोल होना पड़ा था। मनोज मुंतशिर ने शम्मी कपूर से जुड़ा एक किस्सा शुरू करते हुए बताया था कि शम्मी कपूर ने अपनी पहली वाइफ गीता बाली के मरने के बाद शादी ही नहीं की थी, जबकि उन्होंने गीता बाली के शादी करने के 4 साल बाद नीला देवी गोहिल से शादी की थी। मनोज मुंतशिर ने बाद में ट्विटर पर फैंस से माफी मांगी थी और अब गायिका अनुराधा पौडवाल ने इस इंडियन रियलिटी शो यानी इंडियन आइडल पर एक प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि रियलिटी शो इंडियन आइडल कई दिनों से विवादों में है और
जैसा कि विवाद का सिलसिला लगातार जारी है, इसको लेके कई सारे लोग अपनी अपनी बातें सामने रख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको मैं बता दूं कि जो एक्स कंटेस्टेंट रह चुके हैं सिंगर, बहुत अच्छे से आप उनको जानते होंगे, अभिजीत सावंत, उन्होंने कहा था कि जो इंडियन आइडल के में जो कंटेस्टेंट्स आते हैं वो कोई गरीब घर से नहीं आते, उनको फ्रेम किया जाता है कि वो गरीब घर से हैं, वो बेचारे हैं, वो लाचार हैं, बेसहारा हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। वहीं निजी चैनल से बात करते हुए एक इंटरव्यू में सिंगर अनुराधा पौडवाल ने इस बारे में कहा था कि मुझे तो सारे प्रतिभागी यानी सारे टैलेंट्स एक से बढ़कर एक लगे, इनमें कोई विवाद जैसी कोई चीज ही नहीं थी। अगर लोग उनके टैलेंट पर सवाल उठा रहे हैं तो मुझे हैरानी हो रही है। मुझे अमित जी के विवाद का कोई आइडिया नहीं है। जब मैं गई तो वहां वे बच्चों ने बहुत अच्छा गाया, मैं तो सरप्राइज हो गई सबका परफॉर्मेंस देखकर। बता दें कि इस वीकेंड में गायक कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल स्पेशल गेस्ट के रूप में इंडियन आइडल में पहुंचे थे। इससे पहले सिंगर अभिजीत सावंत शो में कह ही चुके हैं, वो मैंने आपको भी बताया ही था। उन्होंने ये कहा था कि इंडियन आइडल के मेकर्स की ज्यादा रुचि कंटेस्टेंट्स के जूते पॉलिश कराने वाली स्टोरी यानी कि गरीबी पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। उनका मेन स्ट्रीम होता है कि दर्शकों को इमोशनली भंड करे, इमोशनली उनको वीक करे, कैसे दर्शक अट्रैक्ट हो। वो टैलेंट्स पे नहीं ध्यान देते, वो रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं उनके फ्लैशबैक्स को दिखाने पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनकी भूखमरी, उनकी गरीबी दिखाने में ज्यादा यकीन रखते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि अगर आप रीजनल रियलिटी शो देखते हैं तो वहां दर्शकों को कंटेस्टेंट्स के बारे में शायद ही पता होगा, उनका फोकस सिर्फ सिंगिंग पर होता है। लेकिन नेशनल शो में कंटेस्टेंट्स के जूते पॉलिश कराने की खबरें चलाई जाती हैं, उनके माँ बाप कैसे बदहाली में जी रहे हैं, गरीबी में जी रहे हैं। इसके अलावा अब वो शो में फेक लव स्टोरी जैसी दिलचस्प चीजें भी दिखा रहे हैं जो एक तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं है। अपने बीते सफर को बताते हुए अभिजीत ने यह भी कहा था कि एक बार मैं एक लिरिक्स भूल गया था, मैंने गाना छोड़ दिया था, लेकिन वहां मौजूद जजों ने मुझे फिर से गाने का मौका दिया। वही चीज अगर आज किसी कंटेस्टेंट के साथ होती तो उसे बिल्कुल टीवी ड्रामे की तरह दिखाया जाता है, बिजली चमकती है, कई तरह के इफेक्ट्स डाले जाते हैं। तो जाहिर है दोस्तों, गौरतलब है कि अमित कुमार के बयान ने इंडियन आइडल को लेकर विवाद और भी ज्यादा तगड़ा हो गया है। अब आपको ये बता दें कि इसमें लेटेस्ट क्या है। लेटेस्ट ये है कि हाल ही में अनु मलिक ने इंडियन आइडल 12 के सीजन में के कुछ एपिसोड्स में जज के तौर पर वापसी कर ली है, जिसकी वजह से लोगों ने शो के मेकर्स को सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ा था। 2019 में मीटू विवाद में नाम सामने आने के बाद अनु मलिक को इंडियन आइडल के जज की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। ऐसे में अब उन्होंने वापसी की है तो लोग उन्हें देखकर भड़क गए। जाहिर है कि मीटू में कई बड़े बड़े नाम आए थे, आपने भी देखा था, हमने भी देखा था, सुना भी था। अब इंडियन आइडल 12 से जब कंटेस्टेंट नचिकेत लेले का को निकाल दिया गया है तो सोशल मीडिया पर फैंस ने बुरी तरह से भड़ास निकाली है। उन्होंने मेकर से नचिकेत लेले को शो में वापस लेने की मांग की है और सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर नचिकेत ट्रेंडिंग पे चल रहा है। अब गायिका अनुराधा पौडवाल ने भी अलग प्रतिक्रिया दे दी है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि इंडियन आइडल जो हो गया है वो सो कॉल्ड कॉन्ट्रोवर्शियल शो हो गया है, वो ज्यादा सिंगिंग रियलिटी शो से ज्यादा फोकस अपने कॉन्ट्रोवर्सीज को लेकर कर रहा है। तो इस तरीके से कैसी लगी मेरी आज की ये कहानी और कैसे लगी मुझे इस सिंगिंग रियलिटी शो के बारे में जो 7 घटनाएं मैंने आपको बताई, जो कोई भी कॉमन नहीं है, ये काफी टाइम से चलता आ रहा है, इसके बारे में आप अपने कमेंट्स हमें जरूर बताएं और देखते रहिए मेरे साथ बॉलीवुड।